चलो भाई लोग अभी तुम लोग को घुमाते हैं नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा ना, ढिंचक गोवा, ढिंचक गोवा, नॉर्थ गोवा। चलो अभी मीठा और आइसक्रीम खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। On the way to our resort in North Goa. Check-in हो चुका है और सर बैग्स हेल्प कर रहे हैं हमको, बैग्स हमारे रूम तक पहुंचा रहे हैं। बीबी के राज में सब महंगे महंगे होटल सस्ते सस्ते भाव में घूम रहे हैं। ब्यूटीफुल। शाम के बज गए 7:30। लोग पीने निकले हैं और हम निकले हैं खदड़ काम करने। पूरा गोवा छान डालेंगे पर एक से एक खाने की डिश निकालेंगे। वड़ा पाव हर जगह ट्राई किया गोवा में, यार महाराष्ट्र जैसा एक भी वड़ा पाव नहीं मिला खाने के लिए। यहाँ का वड़ा पाव और चाइनीज बिल्कुल ट्राई नहीं करना भाई लोग। आखिरकार मैम को वेज रेस्टोरेंट मिल ही गया, अब खाएंगे दबा के। जैसे कि आपको मैंने बोला था गोवा में पी पी के नहीं, मैं खा खा के टूल लोने वाला हूँ। टूल हो गया लगता है, उधर कल्याण पहुँचने के बाद कोई पहचाने का नहीं मेरे को। जिम में बोलेंगे न्यू एडमिशन आ गया। हम लोग 20 से 6 किलोमीटर दूर आए खाने को। हम लोग अभी है टेस्ट के भूखे, खाने के भूखे। 6 महीने बाद खा रहे तो अच्छा ही खाएंगे। क्या देख रहे हैं भाई लोग, ऐसे देख के हंसो मत, खाने दो। 6 महीने बाद खा रहे हो, लाल बोल बाहर आने चाहिए क्या? नहीं साला कुपोषित हो गया था। तुम लोग भी खाओ, थोड़े दिन खाने से कुछ नहीं, बॉडी वॉडी कम होती। खाओ भी। देखो ये थाईलैंड कम पड़ गया था, जो थाईलैंड का मसाज गोवा में भी आ गया। देखो ये थाई मसाज है और एसएस फिटनेस में होता है डीप टिश्यू मसाज, ठीक है। दोनों भी मसल और ब्रेन को रिलैक्सेशन देते। आपको कौन से मसल को रिलैक्स करना है वो आप देख लो, ठीक है। अगर बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करना है तो आ जाना एसएस फिटनेस, और अगर भलते सलते मसल को रिलैक्स करना है तो जाना थाई स्पा। अभी फुल रेस्ट लेते हैं क्योंकि कल फुल मचाना है, मस्ती करनी है। स्टे के बारे में जानना है तो कमेंट करो और व्यू एंजॉय करो भाई। ये स्विमिंग पूल नहीं है, नदी है। ये है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। निकल शोल्डर मोड। बॉडी बिल्डिंग के साइड इफेक्ट। कल आएंगे हम ये स्विमिंग पूल। नहीं आना मुझे मुंबई, ऐसे ही घर में रह लूंगा, मच्छी पकड़ लूंगा, खुद भी खा लूंगा। मैं तो नहीं खाती मच्छी, मैं क्या कहूँ। नारियल का पत्ता काट के दो। घर के सामने का व्यू देख, नरीमन पॉइंट पे शाहरुख खान को नहीं मिल रहा रहेगा करोड़ों रुपए देने के बाद। इतना पानी सोफा, दो झटके लगा देगा। सबसे ओल्डेस्ट चर्च है गोवा का, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट चर्च भी बोलेंगे तो चलेगा। ये पोर्तुगीज के टाइम पे पोर्तुगल लोगों ने बनाया है और मस्ट विजिट प्लेस है गोवा में। अगर यहाँ नहीं आए तो गोवा क्यों आए भाई, सिर्फ दारू पीने आए क्या? हम जितने भी टाइम आते हैं ना गोवा, ये तो जरूर आते हैं, ये मस्ट विजिट प्लेस है हमारा गोवा। मतलब आप इतने जगह आओगे ना तो हाँ। ये प्लेस आपको लगेगा कि आप रोम में आ गए हो, इंडिया लगेगा ही नहीं। किधर तो रोम एरिया में आ गए हो, पोर्तुगीज टाइप लोकेशन है, इंडिया के बाहर आ गए लगे। ये कैमरे में जितना बड़ा दिख रहा है ना उससे कई 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 गुना ज्यादा बड़ा है। ये जो गए रहेंगे उनको पता है जो ये धार्मिक जगह होती है यार, क्या वाइब्रेशंस होते हैं इसमें। यहाँ आप एक आवाज मारोगे तो पूरा हॉल में गूंजेगा। अब सोचो यार रात को आप अकेले
एंड जीजस आपको बचा रहे हैं एनाबेल से। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं सेंट जेवियर्स की मम्मी, 500 साल पुरानी। अलाउड तो नहीं है, फिर भी चोरी छुपे कैसा तो भी दिखा रहे हैं आपको। जूम कर जूम। 500 ईयर से बिना प्रिजर्वेटिव के ये मम्मी जैसे के तैसे है। स्किन सिर्फ थोड़ी सी गल गई है, बाकी सब मतलब मसल दिख रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, मतलब मिराकल है। तो मुझे अजूबा लग रहा था। ये देखो फोटोज। और ये है सेंट जेवियर्स के कपड़े, देखिए जीजस क्राइस्ट। ये ताबूत है ना, जो इसमें सेंट जेवियर्स की बॉडी लाई गई थी जब वो एक्सपायर हो गए थे, दूसरी कंट्री में थे, तो इसी से लाई गई थी वो बॉडी। ये जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस चर्च है, ये बनने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनको यहाँ पर लाया गया था समुंदर से, वो जो ताबूत था ना उसके अंदर से उनको यहाँ पर लाया गया था कुछ सालों बाद। अभी इसी के आगे है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, सेंट ऑगस्टिन चर्च। अभी आप यहाँ मेरी बॉडी देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये चर्च की हिस्ट्री ऐसी है, ये 1500 से 1600 के बीच में बना था। अभी तो पूरा टूट गया है, कुछ एक ही टावर बाकी है। बड़ी बड़ी बेल्स थी वो सब तो टूट गई है और दूसरे चर्च में शिफ्ट कर दी गई है। यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर की शूटिंग भी हुई है, सिंगम, फिर वो हॉरर पिक्चर थी ना गुमनाम है कोई, वो सॉन्ग की भी शूटिंग हुई है यहीं पर, यही चर्च। बहुत पुरानी मूवी है वो, 1950। तो अभी हम निकल चुके हैं ओल्ड गोवा से पणजी की तरफ, पणजी के आगे फोर्ट अगोड़ा। ये स्ट्रीट पे आपको पता नहीं चलेगा आप कितना ड्राइव किए और कितना करने वाले, इतनी खूबसूरत स्ट्रीट है। ये देखो व्यू। और ये पहुंच चुके हैं हम लोअर फोर्ट अगोड़ा जेल, जो पिछले बार हम कवर नहीं कर पाए थे तो इस बार आए। इसकी एंट्री है 200 रुपीज पर पर्सन, मतलब 10 से 20 अंडे के पैसे गए पानी में, इसलिए टेंशन में बैठा हूँ। भाई लोग, हम लोग हैं अभी अगोड़ा जेल में। तो यहाँ जो पोर्तुगीज लोग थे वो लोग कैदियों को ना उल्टा लटका के बोचे पे फटके देते थे। तो ये लोगों से मैंने बात कर लिया, इनको मैंने बोला, ये मेरे को पूछ रहे थे आपकी तकलीफ का है बबुआ। तो मैंने इनको बोला कुछ लोग है हमार वीडियो देखा थे पर हमका सब्सक्राइब नहीं करते। तो इन लोगों से बात कर ली मैंने, तो ये बोले क्या ठीक है जो भी रहेंगे उनको बता दो, हम उनको भी उल्टा लटका के बोचे पे देते फटके। क्या भाई तुम देख तो रहे हो वीडियो, फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? तो भाई वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो ना, सिर्फ देख के क्या मिलने वाला है तुमको, मेरी भी हेल्प करो ताकि ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओ, नॉलेज वाले, कॉमेडी, जैसे भी है, घूम फिर, ट्रेवल व्लॉग, तो सब्सक्राइब करो यार। देखो मैं बोल रहा था ना सब्सक्राइब का, जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है उसको देखो ये सजा है, ये देखो डेमो देख लो, ये सजा है चाबुक के फटके पिछवाड़े पे। अभी मैंने इनको एसी का बात कर लिया, एसी लगा के फटके देंगे, थोड़ा ठंडा गर्म का मज़ा दोनों का साथ में आएगा। इतू से देख, ए भाई मैं बाहर रहती हूँ, अपने को बंद कर दिया तो किसी ने। व्यू देख जेल का, अपने घर से अच्छा है। साढ़े 4-5 मर्डर कर दे ये जेल में आने के लिए। मरते दम तक ये रूम में रहने का, विदाउट मोबाइल, विदाउट एंटरटेनमेंट। भाई मैं तो भाग रही हूँ अभी, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम, मेरे को देख के प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत बाप रे, चल दम घुट गया मेरा तो। ये तो अभी बना है अच्छे से, ये इन्होंने न्यू मतलब एडिशन किया है, मतलब बहुत अच्छा सेटअप है ये अगोड़ा जेल में, पूरा हिस्ट्री गोवा का, पुर्तगाल रूल, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आज का सनसेट हमारे फेवरेट बीच सिंक्यूरियम बीच, लग रहा हूँ कि नहीं बजरंगी भाईजान का सलमान।
ये अभी हम खा पी के पहुंच गए हैं दियास क्लब में। नमस्ते भाई लोग, आज हम लोग आए डिवियाज में। अजीत भाई को इंट्रोड्यूस करूंगा, ये इंडिया के बेस्ट बैली डांसर में से एक काउंट हो रहे और आज मौका मिला तो इनका परफॉर्मेंस भी देखने मिलेगा। हम लेट हो गए, एक परफॉर्मेंस हो गया, अभी सेकंड परफॉर्मेंस अगर आपका और मेरा नसीब रहा तो हमको आज देखने मिलेगा। ये मेरे क्लाइंट है 2021 में आफ्टर लॉकडाउन, इनका सिक्स पैक निकाला था एक बार मैंने, अभी भी बॉडी एस्थेटिक अच्छा है, चालू है वर्कआउट वगैरह, मौका मिला तो वो भी फिर से बनाएंगे आप। ये जरूर, अगर संतोष सर आप वापस आ जाते हो, अगर यहाँ आ जाते हो गोवा में, तो डेफिनेटली मैं आपके पास से ट्रेनिंग लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो अकेले ही मुझे एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब मैं सर के पास था तब मेरे लाइफ का मैंने फर्स्ट कॉम्पिटिशन किया था, क्योंकि मुझे वो मेरे बकेट लिस्ट में था कि मुझे एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करना है, वो इनके वजह से पूरा हो पाया। ऑल्दो मेरे नी में इंजरी था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छे से गाइडेंस दिया कि मेरे लेग्स का भी वर्कआउट अच्छा था, मेरे लेग्स का कंडीशन भी अच्छा रहा एंड कंपटीशन भी बढ़िया रहा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पिक डाल दूंगा मैं, बिफोर आफ्टर का पिक्स है मेरे पास पड़े। थैंक्स टू हिम, यस प्लीज आप लोग परफॉर्मेंस एंजॉय करो, और जरूर परफॉर्मेंस होगा, नसीब की बात नहीं है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ मेरा परफॉर्मेंस होगा एक, और आप लोग देखोगे जरूर। ओके, और हम ऑल द बेस्ट करना चाहेंगे सर को उनके सक्सेसफुल करियर के लिए, और हम चाहेंगे कि उनको बॉलीवुड में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, आपके मुंह में घी शक्कर और जिन लोग ने भी इसके लिए प्रे किया उन सबके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच। आधा रास्ता तो क्रॉस कर लिया है, अभी थोड़ा सा बाकी है, मतलब 80% तो दिख रहा है कि पार हो गए, अब सिर्फ 20% काम बाकी है, हो जाएगा। आप लोग का सपोर्ट रहा तो ऑफकोर्स हो जाएगा। जय भवानी, जय शिवराय, जय भवानी, जय शिवाजी। इतना डेंजर सिंक्रोनाइजेशन है, देख अभी अपने अजीत भाई का परफॉर्मेंस आ गया। अजीत देख, परफॉर्मेंस देखना, लोगों ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, हम लोग सोचे थे कि हम लोग रिकॉर्डिंग करके इनको देंगे, इतने लोगों ने रिकॉर्डिंग किया ना कि हमारे रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, लोग खाना छोड़ के परफॉर्मेंस देख रहे थे, ठासू परफॉर्मेंस था, आपको भी दिखा दूंगा वीडियो डाल के, देख लेना परफॉर्मेंस। आई होप आप लोग को अच्छा लगे, क्योंकि सर का ये बड़प्पन है कि वो बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक्चुअली बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है, क्योंकि वो मुंबई से इतने दूर से यहाँ तक आए, बावजूद भी उन्होंने टाइम निकाला और मेरे लिए वापस यहाँ पर है, तो मुझे बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है, क्योंकि वो मेरे गुरु है, उन्होंने मेरे को बॉडी बिल्डिंग सिखाया, और मैं चाहता था कि मैं थोड़ा सा उनको डांस सिखाऊं, लेकिन पहले डांस सीन पता नहीं अगर अलाउ करेंगे तो ऑफकोर्स, लेकिन यस, तो मुझे बहुत ऑनर्ड फील हुआ कि वो आज आए मेरे लिए और स्पेशली मेरा शो देखने के लिए इतने दूर से, जबकि वो एंजॉय कर सकते हैं गोवा में, और भी अच्छे अच्छे क्लब्स हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए, सो थैंक यू सर सो मच। अजीत भाई का स्ट्रगल जीरो से देखा है, जीरो से देखा है उनको करते हुए, तो इसलिए वो इंस्टा पे देखना और लाइव देखना, जमीन और आसमान का फर्क है, लाइव देखने में आसमान का फर्क है। मैं कुछ स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था, मैं जानबूझ के नहीं खड़ा हुआ, अचानक मैं खड़ा हो गया और ताली बजाने लगा, ये परफॉर्मेंस देखे खतरनाक। एंड मैम आपको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप आए और टाइम निकाला और आप मेरा भी डांस देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, आई एम सो ऑनर्ड, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। आज है 12 तारीख और हम जा रहे हैं रिटर्न अपने घर कल्याण में, तो चेक कर रहे थे वजन, आपने 7 तारीख को मेरा गोवा में कंपटीशन हुआ है वॉस्को सिल्वर मेडल, आपने देखा है तब मेरा वेट 77400 था, 77 पकड़ लो, 77 पकड़ लो, आज देखो मेरा वेट क्या है, 6 किलो बढ़ाते हम, ये मसल नहीं है, मेहनत से नहीं बढ़ा है, खा खा के और तो बढ़ा, ये
फैट बढ़ाएंगे, मसल बढ़ाने के लिए टाइम ज़्यादा है, 6 किलो मसल बढ़ाने के लिए 5 से 6 साल जाएंगे। मैडम का एक ब्रेज बेचना बाकी रह गया, दो रह गए हैं, दो रह गए, तो मैडम बोल रही है 2 दिन हुआ और बोल रही है प्लीज 2000 का ड्रेस और उसके लिए 20,000। गोवा के आउटस्कर्ट्स पे नाश्ते की जगह एकदम रीजनेबल और टेस्टी। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। गोवा से दिल तो भरा नहीं है पर इसे बाय बाय करना पड़ेगा, फिर मिलेंगे। और समरी ऑफ द गोवा इज क्या, मैंने बढ़ा लिया है 6 किलो 5 दिन में, मेरे वाइफ ने बढ़ा लिया 4 किलो 5 दिन में, तो इस हिसाब से इधर भी मैं बन गया हूँ विनर। और देखो गाल देखो कैसे बाहर आ गए, वाइफ की एक ही, मेरी सास की एक ही प्रॉब्लम थी, वो बोलती थी बेटा तेरे गाल किधर, सासू माँ गाल बाहर आ गए खींचो अब। और दूसरा कि अब हम मजाक मस्ती सब बंद, डाइट चालू, और टिल देन कल का सजा याद है ना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट शेयर भी करो। बाय बाय, जय भवानी, जय शिवराय।